नमस्कार, मैं बॉबी जय एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। चुनाव आयोग पर भड़की ममता, पूछा क्या सिर्फ पीएम मोदी को ही रैली करने का अधिकार है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार तय समय से एक दिन पहले यानी गुरुवार की रात 10 बजे समाप्त हो जाएगा। पीएम मोदी की बंगाल में 2 रैलियां हैं और उन सभाओं पर ममता बनर्जी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि क्या सिर्फ पीएम मोदी को ही रैली करने का अधिकार है। ममता बनर्जी ने कहा कि बुधवार को उनकी सभा थी लेकिन उसे कैंसिल कर दिया। क्या सिर्फ पीएम ही अपनी बात रख सकते हैं? क्या प्रजातंत्र में हमें बोलने का अधिकार नहीं है? क्या चुनाव आयोग जो कहेगा कि सिर्फ वही होगा? चुनाव आयोग की तरफ से प्रचार में 24 घंटे की कटौती दी गई है। ऐसे में हमें सभाओं के लिए समय में बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग साजिश के तहत बंगाल को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। बंगाल में समय से पहले प्रचार बंद किए जाने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की रैली के तुरंत बाद जिस तरह के रात 10 बजे चुनावी प्रचार को बंद करने का फैसला किया गया, उससे साफ है कि आयोग निष्पक्ष नहीं है। पश्चिम बंगाल को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझने की भूल कर रही है दीदी पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल के दमदम में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो पिछले 6 महीने से मोदी हटाओ की बात करते थे, जो लोग प्रधानमंत्री के दावे ठोक रहे थे, लेकिन 2 दिन से अचानक उनकी बत्ती गुल हो गई है। पीएम मोदी बोले, दीदी आपकी सत्ता जारी है, आपकी जमीन खिसक चुकी है, पश्चिम बंगाल के लोगों ने आपको नकार दिया है, इस सच को स्वीकार कर लीजिए और हिंसा का रास्ता छोड़ दीजिए। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी ने बंगाल में क्या हालात बना दिए हैं, जो घुसपैठिए हैं वो मौज में हैं, लेकिन जो काली के भक्त हैं, जो राम के भक्त हैं, वो डर डर कर जीने को मजबूर है। चुनाव के दौरान यहाँ भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं की हत्या की गयी, अनेक कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, जय श्री राम कहने भर से ही बंगाल के युवाओं को जेल में ठूसा जा रहा है, एक मजाक करने भर से ही बेटियों को जेल में भेजा जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी पश्चिम बंगाल को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझने की भूल कर रही है। आज आप चुनाव आयोग को गालियां दे रही है, चुनाव प्रक्रिया और सुरक्षा बलों को आप जमकर गालियां दे रही है। आप भूल रही हैं कि एक समय इन्हीं संस्थाओं ने आपकी मदद की थी। देश के लोकतंत्र की मर्यादा आपके अहंकार से कई ज्यादा ऊंची है। नई दुल्हन से प्रधानमंत्री की तुलना वाले विवादस्य बयान पर सिद्धू को क्लीन चिट। नई दुल्हन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना वाले विवादस्पद बयान पर पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा पंजाब की कांग्रेस सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से क्लीन चिट दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश कुमार जाटव ने बृहस्पतिवार को बताया, हमने सिद्धू के संबंधित बयान की जांच की, जांच के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कथन से चुनावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है। जाटव ने बताया कि सिद्धू के बयान को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से चुनाव आयोग की रिपोर्ट भेज दी गई है। चुनाव प्रचार के लिए आए सिद्धू के इंदौर में 11 मई को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि मोदी उस दुल्हन की तरह है जो रोटी कम बेलती है और चूड़ियां ज्यादा खनकाती है, ताकि मोहल्ले वाले को पता चले कि वह काम कर रही है। यह मैं 8वीं बार पूछ रहा हूँ कि मोदी मुझे अपनी बस एक उपलब्धि बता दें। सिद्धू के वक्त बयान पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी ने इसे चुनावी आदर्श आचार का उल्लंघन करार दिया था। इस सिलसिले में कांग्रेस के स्टार प्रचार के खिलाफ निर्वाचन आयोग को शिकायत भी की गई थी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के खिलाफ घोर अपमानजनक टिप्पणी के बावजूद जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा सिद्धू को क्लीन चिट दिया जाना पक्षतापूर्ण है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।